अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉक ऑफ उदा का जहाँ। तो गाइज मॉर्निंग एज यूजुअल हो चुकी है और गाइज सुबह से यानी कि 5 बजे मेरी आँख घबरा के खुली है और देखा तो इतनी ज़बरदस्त वाली ठंड, बारिश, बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे और हवाएं चल रही थी। लेके चलती हूँ आपको एक बार ज़रा बैल्कनी में। यहाँ देखिए, मैंने आधे कपड़े जो उठा सकती थी मैंने उठाए, बाकी सब मैंने छोड़ दी। देखिए पानी यहाँ तक आई है, ये देखिए आप, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है। ये पूरा यहाँ देखिए, ये पानी खड़ा हो गया है, इतना ठंडा मौसम था। और यहाँ की जो कपड़े थे इधर के सब मैंने जितना हो सके उठाए, बाकी ये सब तो गीले हो गए थे, फिर मैंने ये उठाए ही नहीं कपड़े। बोला इतना ठंडा मौसम हो गया है, भाई गॉड, अंदर आ जाते हैं तो मुझे लग रहा है गाइस यहाँ देखिए ये दोनों सो रहे हैं। और मेरे को ये लगता है कि मुझे आज से ही जैकेट मुझे भी पहननी पड़ेगी। और माँ हाथ तो भाई बच्चा है उसको तो मुझे वार्मर वार्मर पहनाना पड़ेगा, अभी तो कुछ निकाला ही नहीं है। एक कल स्टॉल ही निकाला था और माँ हाथ की जो है वो एक जैकेट ऊपर ही निकली हुई थी तो जो पहन रहा था। बाकी तो कपड़े सोच रहा था संडे आएगा तो निकालूंगी, अभी है कि ऑफिस जाऊंगी तो वापसी में आने के बाद निकालूंगी एक आध जैकेट माँ हाथ की भी। फिलहाल जल्दी से लग जाते हैं अपने एज यूजल काम पर, नाक भी थोड़ी सी बनने लगी और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस गाइस मेट्रो से उतर के मैंने रिक्शा पकड़ लिया, स्टॉल पहनी हुई हूँ और हमारे यहाँ तो बारिश हो रही थी, यहाँ भी देखिए बारिश हो रही है। तो गाइस घर आ गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। दिवाली में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है जब आपको गिफ्ट मिलते हैं और वही सेम चीज़ हो रही है और बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि क्या मिला है क्या मिला है। तो फिलहाल अभी फाई आए हैं और फाई ने भी गिफ्ट्स दिए हैं सबको, मिठाई के डब्बे और वो जो मैंने आपको बॉटल्स दिखाई थी वो। और फिलहाल हमें यहाँ मिला है एक टॉवल सेट और बाकी ये है काजू कतली का डब्बा। और गाइस जो भी गिफ्ट्स है वो यही चलता रहता है, कोई जिसको देता है वो इधर दे रहा है वो उधर दे रहा है, बस वही पार्सल एंड सब चीज़ें चल रही हैं। और फाइव भी अभी गए थे एक जगह और गिफ्ट्स बांटने के लिए, अभी जस्ट ही घुसे हैं और अभी हम लोग फिर से जाएंगे, थोड़े गिफ्ट्स और मुझे भी लेने हैं पर्सनली, उसको पैक कराना है और फिर वो मुझे गिफ्ट करना है। क्योंकि जैसे जो प्रेस वाली दीदी हैं मेरे घर आती हैं जो कपड़े प्रेस करती हैं वो, फिर माँ हाथ के स्कूल माँ जहाँ जाता है डे केयर में तो वहाँ के माँ हाथ के तो काजू कतले, ये लो पूरा बॉक्स नहीं बस 1-2 ले लेना, ठीक है। अभी कर मोटा हो जाऊंगा तो गाइज फिर। और ये है कि महा जहाँ डे केयर में जाता है तो वहाँ मैम को तो दे दिया था, लेकिन अभी जैसे गार्ड भैया हैं या जो दीदी हैं जो महा का ख्याल रखती हैं तो 2-3-4 लोग हैं वो लोग, तो उन सबको भी गिफ्ट देने हैं मुझे। और टाइम नहीं मिला था कल बिल्कुल भी जाने का, अभी यह है कि अभी जस्ट जाएंगे हम लोग बाहर और उनको जो है वो गिफ्ट्स लेके आएंगे उनके लिए और फिर हम लोग देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे को गिफ्टिंग करते हैं और बहुत मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है एक दूसरे को गिफ्ट देना। और तो बस अभी फाई आ गए हैं वापस, चाय पी के चले गए थे गिफ्ट्स बांटने के लिए, वापस फिर आ गए हैं। तो अभी हम फिर से जो है स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट क्या करते हैं, जाएंगे बाहर गिफ्ट्स लेके आते हैं और पैक वैक करा के आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं जिस जिसको भी गिफ्ट्स दूंगी। वैसे अच्छा नहीं लगता है मुझे किसी के सामने वीडियो बनाना, बट अगर कोशिश करूँगी कि अगर मैं बना पाऊँ तो बनाऊँगी जरूर। तो गाइज आ गए हैं महात के मौलवी साहब, तो महात चले गए बाहर पढ़ने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि खोल के जल्दी से देख लूँ। तो मैंने ये टॉवल जो है ये खोल भी ली और इसका कलर कितना ऑसम लग रहा है, क्या कह रहे हो कि जल्दी से फाई को ही होता है कि जल्दी, इतनी जल्दबाजी किस बात की। अरे यार एक्साइटमेंट होती है मुझे बहुत ज़्यादा और लड़कियों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है एक्साइटमेंट, तो फिलहाल बहुत बड़ी सी है और अच्छा सा साइज़ है और मैं तो खुश हूँ मेरी न्यू टॉवल अभी। तो गाइज महा के मौलवी साहब चले गए और हम लोग आ गए हैं बाहर और यहाँ माशाल्लाह से इतनी रौनक है ना मैं क्या बताऊँ, इतने सारे स्टॉल सब चीज़ें डेकोरेशन की, यहाँ देखिए टेंट्स तक लगे हुए हैं और ये देखिए रंग कलर्स बिक रहे हैं और जगह जगह कलर्स हैं गाइज, देखिए आप कितने ब्यूटीफुल से कलर्स हैं। और गाइज Thank you.
फ्रेंड्स, बस अभी अभी हम आ गए हैं घर और बाहर बहुत ज़्यादा रश है, तो ये कहीं ज़्यादा कहीं पर भी नहीं रुके, बस जल्दी से करा हमने और वापस आ गए। और फिलहाल घर आने के बाद गाइस, जो गिफ्ट्स महत के स्कूल में देने थे मैं आपको बता रही थी, हैंड टू हैंड बस जाके रिलायंस से लेके आई हूँ। मैं बंद कर दिया था भैया ने, फिर घुस के जल्दी जल्दी 5-10 मिनट में उठाया ये, वहाँ से कवर था, घर आए, क्योंकि इतनी भीड़ ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग ठोक रहे हैं, इवन ये समझिए कि मेरे पैर में तो ठोक भी दी बाइक। तो मैंने कहा कि भाई बेटर ये है घर चलो बस जल्दी से, यहाँ आप रहना जो है वो सेफ्टी के ख़िलाफ़ है, तो चलो। तो बस घर आ गए हैं, जल्दी सब जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस फ्रेंड्स, खाने वाने से सब चीज़ों से हम लोग निबट गए हैं, टाइम भी 11 बज गए हैं और यहाँ देखें इन जनाब को आराम से मज़े में टीवी चल रहा है यहाँ पर और ये यहाँ बैठे हुए हैं। भाई बेडशीट सही करके बैठो, ऐसे गंदे तरीके से ठीक है, लेकिन ब्लैंकेट सही करके बैठो, ऐसे देखो बेडशीट सही करो बेटे जल्दी से। और इधर लेके चलती हूँ आपको गाइस, तो यहाँ पर जो हैं रूम में आ गए हैं, कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी मैं, ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस टाइप के जो मैं गिफ्ट कर दूँगी, तो बस ये यहाँ रखे हुए हैं, रैपिंग पेपर ला के रख लिया है। तो मैंने सोचा कि मिठाई विठाई जो है वो खाली जाती है और फिर कुछ लोग पसंद भी नहीं करते हर जगह से आए थे, तो इसलिए मैं बॉक्सेस लेके आई हूँ। एक ये डबल बॉक्सेस हैं, इसके दो कलर्स लेके आई थी मैं, ग्रीन और एक पिंक, और वैसे ये एक बॉक्सेस हैं जो मैं लेके आई हूँ, और बस ये पैक वैक करते हैं। और यहाँ एक मुझे गाइस जो ऑफिस से मिला था गिफ्ट, वो भी मैं पैक करके दे दूँगी, क्योंकि एज सच मेरे पास बहुत सारी केटल्स हैं जो वैसे ही यूज़ में नहीं, तो मेरे पास ऑलरेडी गाइस बहुत सारी केटल्स हैं तो वो एज सच कुछ यूज़ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं वो भी दे दूँगी कुछ ना कुछ। और अभी भी एक आध गिफ्ट आया था जो अभी फाई कहीं दे आए, तो बस गाइस यही चलता रहता है दिन भर। यहाँ पर फिलहाल जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ फाई बैठे हुए हैं, ये आराम से मोबाइल चला रहे हैं और महात्मा टीवी देख रहे हैं। पैकिंग कर लेते हैं और फिर आराम से हम लोग लेट के सोएंगे। तो बस फ्रेंड, यहाँ मैंने पैक कर दिया और बड़ी बड़ी सी कैंडीज बनाई हैं, यहाँ देखिए गोल्डन कैंडी। सबसे आसान तरीका होता है एक तरफ से ढंग से पीछे से एक राउंड मार के ऐसे पैक कर दो, तो वैसे मैंने सारी बड़ी बड़ी सी कैंडीज़ बना दी हैं, सब पैक कर दिया है। और यह है कि गाइस मैं तो, मेरा तो कल ऑफिस है, तो इसलिए मैं जाऊंगी ऑफिस, और कल है छोटी दिवाली, तो फाई जो है वो जाके और महा जाके ये लोग दे आएंगे। और बस यही है खुशियाँ, आप लोग भी बांटिए और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। अच्छे से रहिए, सेफली इंजॉय करिए और अपनी फैमिली सबके साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, और खुशियों का त्यौहार है अच्छे से मनाइए। तो बस गए, सारे काम अपने सामने करवा रही हूँ, पैक कर दिया था मैंने, सोचा कि बैग में अभी करके रख दो, मॉर्निंग में फिर जल्दबाजी में कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए फिर अब महा साथ में होता तो फाई को वैसे ही कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ जल्दी जल्दी से, तो रख लो जल्दी से, इसको क्या फुला रहे हो, सारे इसमें रख दो यहाँ लाबे। पैक कर दिया अभी वो वाला जो है, तो गाइस अभी ड्राइंग रूम में आ गए हम, और मैं सोच रही हूँ कि ये भी मैं पैक ही करवा दूँ, मुझे इसका कोई यूज़ नहीं है, सेलो की जो है ये भी पैक कर देती हूँ और ये भी दे दिया जाएगा गिफ्ट में। और फाई कह रहे हैं जल्दी, फाई कह रहे हैं जल्दी से भाई ये रखे, काम खत्म होगा, मैं अपना मोबाइल देखूँ, बार बार डिस्टर्ब करती रहती है ये एज यूजुअल। हाँ तो वो तो है ही, क्या दिखा रहे हो मुझे वीडियोस हैं गाइस, ये दिखा रहे हैं वीडियो पे कि मेकअप से लड़की कितनी बदल जाती हैं, कैसी लगती हैं। तो भैया मेकअप बनाया है इसलिए गए जो लड़की को ब्यूटीफुल बना देती हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो गाइस इसी के साथ व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, जब तक जाइए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।